हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। देखिए, अभी लॉकडाउन पीरियड है, हम सब घर पे ही है, तो मैं ऐसे कुछ नए नए वीडियो बनाती हूँ ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आपके काम आएंगे। तो जैसे कि अभी हम पार्लर तो नहीं जा सकते, तो पार्लर के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रही हूँ, तो आपने अगर नहीं देखे हो तो प्लीज आके चेक कीजिएगा। तो आज का वीडियो है, हम घर पे ही फेशियल कैसे करें और वह भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, सबको आधे घंटे में फेशियल हो जाएगा, आधा घंटा भी नहीं, उससे भी कम वक्त लगेगा और बहुत ही इजी है। इजी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और जो भी मैं इसमें चीजें जो यूज करने वाली हूँ वो सारे हमारे घर पर ही अवेलेबल रहते हैं, तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है या फिर वो क्रीम वगैरह कुछ इसमें यूज नहीं करनी है जिसमें केमिकल्स होते हैं। तो सारे जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उससे ही आज हम ये फेशियल करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट फेशियल है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसका जो इफेक्ट 100% आपको दिखेगा, क्योंकि अगर आप खुद ट्राई करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि सच में इसका इफेक्ट आपको मिलता है और नेचुरल होने के बाद इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये फेशियल जो है आपको रात को सोने से पहले करना है, ताकि फेशियल करने के बाद पूरी रात आपके चेहरे को वो रिकवर होने में मदद करेगा, वो आपको फेशियल का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जितना आपके चेहरे को रेस्ट मिलेगी, जितने आपकी स्किन को रेस्ट मिलेगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको दिखेगा। तो आप इसको सोने से पहले अगर रात में करें तो ये आपके लिए बहुत डबल फायदा देगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो कि हम होम मेड फेशियल मीन्स घर पर ही फेशियल कैसे करें और वो भी बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया है फेस वॉश से। अब हमारी पहली स्टेप है इस फेशियल की, वो है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए जो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये फेशियल हम घर में करने वाले हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से करने वाले हैं, तो जो भी घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से ये फेशियल करेंगे और इससे हमको बहुत अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा। तो क्लींजिंग के लिए हमको चाहिए जस्ट ये रॉ मिल्क, ये देखिए कच्चा दूध, ये कच्चा दूध लगेगा। जस्ट कॉटन लेना है, कॉटन को कच्चे दूध में डुबोना है और अपने पूरे चेहरे पर ये कच्चा दूध जो है अच्छे से लगाना है, पूरे चेहरे पर, नेक पर आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। तो इसे अभी अच्छे से लगाने के बाद हमको जस्ट 2 मिनट का इसे मसाज करना है, ताकि हमारा चेहरा जो है अच्छे से क्लींज हो जाए। जस्ट अपने फिंगर की मदद से इसे धीरे धीरे हमको मसाज करना है, जस्ट हमको राउंड राउंड ऐसे घुमाना है ताकि चेहरे की सारी डर्ट जो है वो निकल जाए, जो भी ऑयल है चेहरे पर, जो भी इम्प्यूरिटी है वो सारी निकल जाएगी और चेहरा बिल्कुल अच्छे से हमारा क्लींस हो जाएगा। तो जस्ट हमको 2 मिनट तक इसको मसाज देना है और ये होने के बाद हमको हमारा जो चेहरा है वो नॉर्मल वाटर से धोना है। नॉर्मल वाटर मीन्स ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, चाहे तो आप गुनगुने पानी से इसे धो सकते हो। ये देखिए मेरा भी ये क्लींजिंग का प्रोसेस हो गया है, अब मैं अपना चेहरा धो के आती हूँ। ये देखिए क्लींजिंग जो है बहुत अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हो क्लींजिंग के बाद ही चेहरा कितना दमक रहा है, कितना ग्लो आया है मेरे चेहरे पर। अब हमको करना है स्क्रब। तो स्क्रब के लिए हमको चाहिए 1 चम्मच नींबू का रस और उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच शक्कर मीन्स चीनी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच शक्कर और इसमें लगेगा हमको शहद मीन्स हनी, वो डालेंगे हम 1/2 चम्मच। ये देखिए और जस्ट इसे अच्छे से मिक्स करना है और इससे हम हमारे चेहरे पर जो है स्क्रब करेंगे। चीनी जो है ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, जस्ट मीडियम या थोड़ी सी और ज़्यादा, मतलब मीडियम से भी कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर मोटी चीनी लेंगे तो आपको स्क्रब करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो स्क्रब अगर आसानी से करना चाहते हो तो चीनी जो है थोड़ी सी बारीक वाली ही लीजिए। अभी मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है स्क्रब, ये देखिए जस्ट हमको पूरे चेहरे पर इसे अच्छे से लगाना है पहले।
शक्कर और नींबू रस से और हनी से हमारे चेहरे की स्कबिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, और हनी की वजह से ड्राइनेस नहीं आएगी हमारे चेहरे पर, हमारा चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा। और नींबू का रस तो आप जानते हो कितना फायदेमंद होता है हमारे चेहरे के लिए, ये एक ब्लीच की तरह भी काम करता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी है, और सच में बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा फायदा होता है इससे। तो जस्ट इसे लगाने के बाद हमको हमारे हाथों की मदद से इसे धीरे धीरे मसाज करना है, ताकि जो हमने जो ये पैक लगाया है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी स्किन के अंदर और अच्छे से स्क्रबिंग भी हो जाएगी। जस्ट इसे ज्यादा हमको स्क्रब नहीं करना है, हमको 2 से 3 मिनट तक ही इसे स्क्रब करना है। ये हमारा इंस्टेंट फेशियल आप बोल सकते हो, क्विक फेशियल बोल सकते हो इसे आप, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही इजी है करने में। देखिए मैंने अच्छे से भी स्क्रबिंग कर ली है, अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से धो के आती हूँ। तो ये देखिए स्क्रबिंग भी मेरा हो गया है, कितना अच्छे से स्किन पे ग्लो आया है और बहुत ही मुलायम हो गई है मेरी स्किन, बहुत अच्छे से स्क्रब हुआ है। अब हम करेंगे मसाज। जी हाँ, नॉर्मली स्क्रबिंग के बाद स्टीम लेते हैं, लेकिन नहीं, हम मसाज करने के बाद स्टीम लेंगे। तो अभी स्क्रबिंग हो गया है मेरा, अब हमको मसाज करना है। तो मसाज के लिए हमको क्या लगेगा, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये टोमेटो का जूस, ये देखिए ये है टोमेटो का जूस, ये है 1 चम्मच। फिर हम इसमें डालेंगे कुकुम्बर का जूस, ये देखिए, तो ये भी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच। टोमेटो की जूस में हमको मिलाना है ये कुकुम्बर का जूस, और हम इसमें मिलाएंगे हनी। जी हाँ, हमको जस्ट हनी 1/2 टीस्पून मिलाना है, ये देखिए, और इसे अच्छे से हमको भी मिक्स करना है। तो मैंने क्या किया था, जो कुकुम्बर है उसको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया था, फिर निचोड़ के उसका मैंने जूस निकाला, और टोमेटो का भी वैसे ही जूस निकाला मैंने। टोमेटो का जस्ट ऐसे ही काट के अगर आप जूस निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, और टोमेटो को ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जूस जो है टोमेटो जूस, और ये है कुकुम्बर का जूस, फिर हनी, ये हमने अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे हमको एक कॉटन की मदद से लगाना है अपने चेहरे पर और धीरे धीरे मसाज करना है। जस्ट देखिए ये मैंने कॉटन लिया है, आप जूस ही यूज कीजिए, और डायरेक्टली अगर ग्रेट करके कुकुम्बर अगर यूज करेंगे तो वो अच्छे से नहीं लग पाएगा, वो जस्ट गिरता है पूरी तरह से, अच्छे से नहीं लगता है अपने चेहरे पर, तो इसलिए हमको जूस ही लेना है जो इजी हो जाएगा। और आप चाहे तो ये जो मिक्सचर मैंने बोला है टोमेटो और कुकुम्बर और ये हनी, इसका जो मिक्सचर है आप इसके आइस क्यूब भी बना के रख सकते हो, और ये इजी हो जाएगा, डायरेक्टली आइस क्यूब आप अपने चेहरे पर जो है रगड़ सकते हो, मसाज कर सकते हो, तो वो भी इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने अभी ये जूस लगाया है, और इसको हमें जस्ट 10 मिनट तक मसाज करना है। जी हाँ, अच्छे से मसाज करना है ताकि ये जो पूरा मिक्सचर है वो अच्छे से हमारे चेहरे पर एब्जॉर्ब हो जाए। जस्ट हमको ऐसे हाथों की मूवमेंट ऐसे करनी है, हमको जस्ट ऐसे राउंड 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 घुमाना है अपने चेहरे पर सब जगह पे। अगर ड्राई हो जाए तो फिर से जूस लीजिए और अच्छे से मसाज करना है। जस्ट अपने हाथों पे जूस लगाइए और अपने चेहरे पर लगाइए इसे। आंखों पर भी करना है।
जस्ट मैं इजी फेशियल आपको दिखा रही हूँ, जो हर कोई ये फेशियल घर में ही कर सकता है। इसमें कोई भी मतलब डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे घर में ही अवेलेबल रहते हैं और ये नेचुरल है, तो बहुत ही नेचुरल हमारे चेहरे पर ग्लो भी आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, तो कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है इससे। तो जस्ट इसे हमको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है और मसाज करने के बाद हमको इसे गुनगुने पानी से धोना है। तो इस तरह से 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे नॉर्मल पानी से धो के आती हूँ। तो चेहरा तो मैं अच्छे से धो के आई हूँ, अभी हमको लेनी है स्टीम। तो स्टीम जो है हम जस्ट 2 से 3 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा एक्ने है, आपको अगर आपका चेहरा अगर ज़्यादा ऑयली है तो आप 5 मिनट तक स्टीम ले सकते हो, लेकिन इतना स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 से 3 मिनट तक स्टीम लेना है। तो यहाँ मेरा स्टीमर तैयार है और यहाँ पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं स्टीम लेती हूँ। तो स्टीम हो गई है मेरी, बहुत ही फ्रेश लग रहा है अभी मुझे। अभी स्टीम तो हो गई, अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा है, वो है फेस पैक। जी हाँ, अब हम फेस पैक लगाएंगे। तो फेस पैक के लिए हमको क्या क्या लेना है बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, हम फेस पैक के लिए हमको पहले तो लगेगा बेसन। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून बेसन। फिर लगेगी हमको हल्दी, ये टर्मरिक पाउडर, ये हमको जस्ट लेना है 1/4 टीस्पून। फिर ये है मलाई, जो दूध गर्म करने के बाद जो मलाई निकलती है दूध से, वो हमको लेनी है जस्ट आधा चम्मच। और फिर हमको लगेगा इसमें रोज़ वाटर, तो रोज़ वाटर हम जस्ट 1/2 टीस्पून लेंगे और इसे अच्छे से हमको मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा अगर पेस्ट ज़्यादा थिक लगे तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर और मिला सकते हो, जस्ट इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अभी मैं इसे मिक्स करके लेती हूँ। तो इस तरह से ये पेस्ट अभी तैयार है, हमको अभी इसे चेहरे पर लगाना है। अब मैं इसे अपने चेहरे पर लगाऊंगी। अभी क्या है कि मेरा ब्रश नहीं मिल रहा है और जिससे मैं फेस पैक लगाती हूँ जस्ट, तो आज मैं अपने हाथों से इसे फेस पैक लगाऊंगी। तो जस्ट लेना है और धीरे धीरे अच्छे से फैला के इसे लगाना है अच्छे तरह से। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप इसमें जो मैंने मलाई डाली है दूध की, तो जो फ्रेश मतलब क्रीम डाली है मैंने दूध की, तो इसकी क्वांटिटी आप चाहे तो कम कर सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। उसकी जगह आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हो, या फिर हमने जो कुकुम्बर जूस या टोमेटो जूस लिया था अगर वो बचा हो तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। जस्ट अच्छी तरह से हमको लगाना है, ज्यादा थिक नहीं करना है या फिर ज्यादा पतला भी नहीं करना है। और ज्यादा थिक करेंगे तो चेहरे पर अच्छे से लगेगा नहीं, पतला करेंगे तो भी नहीं लगेगा, वो सब नीचे गिर जाएगा चेहरे से। तो जस्ट कंसिस्टेंसी उसकी आप देख लीजिए, अच्छे से होनी चाहिए। और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाना है, नेक पर भी लगाना है, और इसे सूखने तक हमको वेट करना है। अभी देखिए, फेस पैक जो है हमको पूरा ड्राई नहीं होने देना है, जस्ट ये 80-90% तक ड्राई होने देना है। फिर उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से, नॉर्मल वाटर से हम फेस पैक को धोएंगे। तो इस तरह से मेरा फेस पैक देखिए लगा के हो गया है, अब मैं वेट करती हूँ इसके ड्राई होने का। वेट करते चलो। अभी देखिए मेरा जो फेस पैक है वो अभी ड्राई हो रहा है,
अभी तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है, तो हमको पूरा इसे ड्राई नहीं करना है क्योंकि पूरा ड्राई करेंगे तो वो अच्छे से निकलेगा भी नहीं और हमारी स्किन जो है ज़्यादा खींची खींची हो जाती है फिर। तो अभी ये अच्छे से मेरा 80-90% ड्राई हो गया है, अभी मैं इसे धो के आती हूँ। तो अभी मैं अपना चेहरा धो के आई हूँ, तो आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिख रहा होगा कितना ग्लो आया है मेरे चेहरे पर, कितना अच्छे से ये क्लींस हुआ है, कितना अच्छे से साफ हो गया है और बहुत अच्छे से टैनिंग भी चली गई है। और अभी इसे अच्छे से अभी मैंने ड्राई कर लिया है, इसके बाद हमको लगाना है इस पर मॉइस्चराइजर क्योंकि स्किन नहीं तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो हमको इसको नरिश रखनी है तो मॉइस्चराइजर लगाना है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो वो आप लगा सकते हो, अगर मॉइस्चराइजर नहीं है या फिर आप सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही लगाना चाहते हो तो आप आलमंड ऑयल लगा सकते हो, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है ये जॉनसन्स बेबी ऑयल, तो ये मेरे पास यही अवेलेबल है। तो जस्ट हमको 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं और अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है और अच्छे से मसाज करना है अपने चेहरे पर लगा के, पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे चेहरे पर। तो मैं इसे अभी अच्छे से लगा लेती हूँ और थोड़ा सा तैयार होके आती हूँ। तो देखिए मैं अभी तैयार होके आ गई हूँ, तो इस तरह से मेरा फेशियल हो गया है। आप देख सकते हो कितना ग्लो आया है मेरे चेहरे पर, बहुत ही स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही ग्लोई हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गई है, नरिश हो गई है, मॉइस्चराइज हो गई है और टैनिंग भी बहुत काफ़ी हद तक निकल चुकी है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिला है मुझे क्योंकि हमने तो सारे नेचुरल इंग्रीडियंट्स ही यूज़ किए थे और इसमें सच बहुत ही ईजी है और आप भी इसे घर में ट्राई कर सकते हो। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो मेरा वीडियो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब घर पर ही फेशियल कर सके और वो भी घर पे अवेलेबल चीजों के साथ ही। तो फिर मिलेंगे ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, नए डीआईवाई के साथ, कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज ऐसे आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं ऐसे कुछ नए नए वीडियो बनाती रहूंगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।